Greenery is the life of model railroad diorama. And for greenery, for the landscapes, for the grass fields and trees, you need turfs or flocks. And today we will reveal the secret of flocks. And believe me, you can make it by yourself easily. Namaskar and welcome to my channel HOT Universe and Diaramas. I am Ashay Mandivar watching Ashim's Model Railroad. Friends, today I am here with again another new tutorial. Today I will show you that how you can able to make easy turf for your model railroad diorama. And turf is a very essential thing for making any kind of model railroad diorama, for making field, for making grass field specially, or making easy trees. Har cheez ke liye aapko ग्रास या टार्फ की जरूरत होता है. तो हम आज आपको दिखाएंगे कि आप कैसे इसी तरीके से ये टार्फ बना सकते हो घर पे. अगर आप ब्रांडेड कोई टार्फ खरीदोगे तो आपको बहुत सारे पैसे लग जाएंगे. वुडलैंड सीनिक्स हो या नॉक्स हो, किसी का भी आप प्रोडक्ट आप खरीदोगे तो एक एक पाउच के लिए आपको बहुत सारे पैसा खर्चा करना पड़ेगा. लेकिन एक बार सोचो दोस्तों कि अगर आप 30 या 50 रुपए में ढेर सारे टार्फ अपने घर में बना सकते हो तो आप क्यों इतना खर्चा करोगे. तो दोस्तों हम अभी वही आपको सिखाएंगे और इसी टार्फ के जरिए आप ये ग्रास फील्ड बना सकते हो. किसी भी पहाड़ या किसी भी शेड में अगर आप सीनिक्स एक्सप्रेशन लाना चाहते हो तो टार्फ लगा सकते हो. और इसी टार्फ के जरिए आप ट्रीज भी बना सकते हो. मैंने पिछले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इजी ट्री बनाना सिखाया था, मॉडल ट्री, और उसी वक्त मैं आपको वो टार्फ दिखाया था और वादा भी किया था कि मैं आपके सामने एक नया वीडियो ट्यूटोरियल लाऊंगा कि आप कैसे ये टार्फ बना सकते हो. तो वादा आज मैं पूरा करूंगा. लेकिन दोस्तों अगर आप में कोई जो कोई भी है जिसने अभी तक मेरा वो ट्री मेकिंग वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारा ये आई बटन में क्लिक कीजिए और वो इजी ट्री बनाने का प्रोसेस भी आप देख लीजिए. दोस्तों अब चलिए हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ. और लेकिन उससे पहले अगर आप पहली दफा हमारे इस चैनल पे आए हो तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा. फ्रेंड्स, इफ यू आर फर्स्ट टाइम इन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड पुश द बेल आइकन सो दैट व्हेन आई विल अपलोड अनदर वीडियो यू गेट द फास्टेस्ट नोटिफिकेशन. तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ. चलिए ओके दोस्तों, आप मेरा यह वीडियो एंड तक बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपको ठीक से ये प्रोसेस समझ में आ जाए. तो मेरे पास आप देख रहे हो कि अभी ये जो है इसे सॉडस्ट कहते हैं. आप किसी भी सॉमिल में आपके एरिया में जाओगे तो वहाँ पे ये सॉडस्ट के पहाड़ पड़ा रहता है. तो वहीं से आप एक बैग अगर लेके भी आओगे ना तो ऐसे दो जो सॉडस्ट इसमें हैं, आप अगर एक बैग लेके भी आओगे तो वो शायद आपको फ्री में दे देगा वहाँ पे जो सॉमिल का मालिक होगा. तो देखिए मेरे पास ये जो सॉडस्ट है, ये नॉर्मली ये जो सॉडस्ट है ये पूरा रॉ सॉडस्ट है. इसमें अभी वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेनुल्स जो मिक्स किया है, यानी कि वेरियस साइज का है. इसमें थोड़ा जो है बारीक सॉडस्ट है और थोड़ा कोर्स है. तो फाइन और जो कोर्स सॉडस्ट वो इसमें मिक्स हुआ है. तो अब हम क्या करेंगे कि ये सॉडस्ट को हम पहले सीविंग करेंगे. ये जो सॉडस्ट आप देख रहे हो, देखो आप समझ रहे हो कि इसमें कुछ दिखाई दे रहा है फाइन और कुछ दिखाई दे रहा है एकदम कोर्स है. तो ये दोनों ही किस्म के सॉडस्ट हमको चाहिए और हम इसे अलग करेंगे पहले. और इसके लिए हमको सबसे पहले इसको सीविंग करना पड़ेगा. तो सीविंग करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी इसको हम सीविंग के लिए प्रोसेस करेंगे. देखिए, और सीविंग के लिए मेरे को ऐसा एक सीव चाहिए जिस सीव के जरिए हम सीविंग करेंगे. और ऐसे ही दो बॉक्स हम ले रहे हैं कि हम दोनों ही तरफ से इसको जो यहाँ पे जो सॉडस्ट निकलेगा सीविंग के बाद, एक फाइन निकलेगा और एक कोर्स निकलेगा, दोनों को ही हम इसमें यूज करेंगे बाद में. तो पहले हम इसको सीविंग कर लेते हैं. अब देख रहे हो कि हम कैसे, जैसे ही इसको हम सीविंग शुरू किया तो जो फाइन डस्ट है वो नीचे बक्सा के अंदर जा रहा है और मेरे जो सीव के अंदर जो कोर्स डस्ट है वो रह जाएगा. ये इसको भी हमको संभाल के रखना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. तो पहले हम इसे सीविंग करेंगे और अलग करेंगे फाइन्स और कोर्स डस्ट को. ओके फ्रेंड्स, यू कैन सी दैट दिस आर द कोर्स टार्फ, सॉरी सॉडस्ट. ये सॉडस्ट साइज में बड़ा है और ये एकदम बारीक है, ये फाइन डस्ट है. ये दोनों ही मेरे लिए एसेंशियल है क्योंकि फाइन सॉडस्ट लैंडस्केप के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है और कोर्स डस्ट
के साथ हम बुश वगैरह बना सकते हैं, दोनों को ही हमको टार्प में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे पहले साइड में रख देते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये जो फाइन डस्ट है, अब हम फाइन डस्ट से ही ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि ये सौ ये जो कोर्स डस्ट है ये फाइन डस्ट के ऊपर इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं बुश बनाने के लिए। और ये फाइन डस्ट से हम आज काम करेंगे, क्योंकि मेरे पास ये फाइन जो टार्फ है उसका थोड़ा क्राइसिस हो गया है, तो हम फाइन टार्फ से ही काम करेंगे अभी। कोर्स टार्फ से आप इसी तरीके से बना सकते हो बाद में भी, ठीक है ना। तो आज हम फाइन टार्फ से पहले काम शुरू करते हैं। चलिए ओके, नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले एक बात समझिए कि आपको एक ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम डाई का इस्तेमाल करेंगे और डाई हमारे स्किन के लिए हार्श हो सकता है। तो हम कलर जो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे उसके लिए एक ग्लव्स ज़रूर पहनिएगा, ताकि आप वो कलर आपके स्किन कॉन्टैक्ट पर ना आए और आपका स्किन का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे कि अब मेरे को एक ऐसा कॉटन क्लॉथ चाहिए मेरे नेक्स्ट स्टेप के लिए। ये आप कोई भी कॉटन क्लॉथ ले सकते हो, थोड़ा पतला होना चाहिए कॉटन क्लॉथ, सफ़ेद हो, किसी भी कलर का हो, एक क्लॉथ को आपको लेना है। और उसी क्लॉथ को आपको क्या करना है कि ऐसे ही किसी भी एक कंटेनर के ऊपर पहले हम इसे लाद देंगे, धीरे से हम इसको इसके ऊपर लाद देंगे। पहले हम कॉटन क्लॉथ को इसके ऊपर डाल देते हैं ऐसे। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये फाइन सॉडस्ट है, यहाँ इसी कंटेनर से मैंने लिया है, उसे हम इसमें ऐसे डाल देंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम जो यहाँ पे जो सॉडस्ट है इसको ऐसे हाथों में लेकर एक पोटला सा बना लेंगे ऐसे, बस ऐसे ही एक पोटला सा बना लेना है। तो ये मैं हमारा है एक स्टेप, हम उसको बना दिया, ये पोटला रेडी हो गया मेरा। अभी हमको क्या करना है कि हमको कलर लेना है, तो हम फेविक्रिल लाइट ग्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को अभी लाइट ग्रीन टार्फ की ज़रूरत है, तो मैं लाइट ग्रीन इस्तेमाल करूँगा। लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल इसी से हम नहीं काम चलाएंगे, इसमें थोड़ा और कलर भी मिक्स करेंगे। तो पहले पूरा जो फेविक्रिल लाइट ग्रीन है उसको हम इस कंटेनर में डाल रहे हैं। देखिए और क्या करना है कि हमको इसमें पानी देना है, लेकिन पानी हमको जो देना है वो बहुत केयरफुली देना है। वी शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग मिक्सिंग ऑफ वाटर, बिकॉज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर कैन डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कलर। तो हमको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी इसमें मिक्स करोगे और कलर डायल्यूट हो जाएगा, तो फिर आपका जो सॉडस्ट जब आप इसमें डाई के लिए इसमें डालोगे, तो सॉडस्ट का जो अपना जो कलर है वो ज़्यादा निकल के आएगा। तो हम धीरे धीरे हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें मिक्स करेंगे। और इसमें अभी हम क्या करेंगे, हम इसमें ब्लैक कलर का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा एक या दो बूंद ब्लैक हम इसमें देंगे। परफेक्ट टोन हमको चाहिए, क्योंकि अगर ये नॉर्मल हम अगर ग्रीन एक्रिलिक में कलर डाई करेंगे तो वो नॉर्मल हो जाए। तो पहले हमको इसको धीरे से इसको मिक्स करना है, उससे क्या होगा कि नेचुरल जो कलर है वो कलर उभर के आएगा। तो पहले आपको ठीक से अपने हाथों से ही आपको इस कलर को मिक्स करना है, और फिर उसमें ठीक से मिक्स करना है ब्लैक और ये ग्रीन को। और मिक्स करने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, और पानी डालते वक्त मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बी केयरफुल व्हेन यू आर मिक्सिंग वाटर इनटू दिस कलर। एक्सेसिव वाटर कैन डिक्रीज द कलर कॉन्सेंट्रेशन एंड इट विल क्रिएट अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो फिर से पानी डाल के आप इसको ठीक से मिक्स कीजिए, थोड़ा डाइल्यूट कीजिए। आपको ये भी अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि जितना सॉडस्ट आप ले रहे हो उसको आपको इसी कलर के ज़रिए डाई में इसी डाई में आपको कलर करना है। तो थोड़ा और पानी हम ले रहे हैं, लेकिन हम ख्याल ये भी रख रहे हैं कि किसी भी तरीके से ज़्यादा ये कलर डाइल्यूट ना हो जाए। तो कलर जब हमने मिक्स कर दिया, ठीक से देख सकते हो आप, और ये टोन जो मेरा चाहिदा टोन आ गया, अभी मैं इस पोटले को लूँगा और इसी पोटले में जो अभी सॉडस्ट है उसको मैं इसमें डुबो दूँगा। और फिर कलर में इसको ठीक से प्रेस करके एकदम स्क्वीज करके इसको कलर को इसमें मिलाना है सॉडस्ट में। और बार बार आपको क्या करना है कि स्क्वीज करके एक्सेसिव जो कलर है उसको फिर से निकल के बाहर भी कर देना है, ताकि ज़्यादा कलर अंदर रह ना जाए। तो आप देख सकते हो कि कैसे हम इसको स्क्वीज कर रहे हैं, ठीक से प्रेस कर रहे हैं और मिला रहे हैं, ऐसे हमको बार बार करना पड़ेगा।
तो अभी जो मिक्सिंग था मेरा 100 के साथ कलर हो गया, अभी आप मिक्सिंग को खोलेंगे। आप देख सकते हो कि जैसे ही हम पोटले को खोलते हैं, यहाँ पे जो सॉडस्ट है वो एकदम परफेक्ट इसमें कलर, इसने कलर पकड़ लिया है। ये एकदम परफेक्ट हो गया है, जैसा मैं चाहता था वैसा ही कलर टोन इसमें आ गया है। अभी हम इसको सुखाएंगे, अभी इसको सुखाना है, और सुखाने के लिए क्या करना है चलिए आपका अभी आपको हम नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं। चलिए तो दोस्तों, सुखाने के लिए हम ऐसे एक पेपर लेंगे, ऐसे एक पेपर, और उसमें ये हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारे ये पे जो सॉडस्ट है उसको हम इस पेपर में आसानी से इसके ऊपर थोड़ा पहले स्क्वीज करके एक्स्ट्रा कलर हम निकाल देंगे, जो भी एक्स्ट्रा कलर है वो निकल जाएगा कंटेनर में, और फिर कंटेनर को हटा के मैं हम अभी इसको एक मिनट, हाँ अभी इसको हम डालेंगे और इसमें ऐसे डाल देंगे पेपर के ऊपर। और फिर हमको क्या करना है कि जितना भी इसमें जो सॉडस्ट है इसको हम ऐसे तोड़ के, जो गोला बन गया था उसको हम तोड़ेंगे और ऐसे पूरा बिछा देना है हमको पूरे पेपर के ऊपर ऐसे, जितना भी हो सके इसको हमको ऐसे पूरा बिछा देना है। और अभी हमको क्या करना है, हमको अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब क्या है कि कब तक ये सूखेगा। अगर आप सूखे एरिया में रहते हो तो आप शायद एक ही दिन में ये सूख जाएगा। अब हमारे कलकत्ता में तो अभी रेनी सीजन है, बहुत ह्यूमिड है यहाँ पे, तो मेरे को लगता है कि एक या दो दिन तो लग ही जाएगा इसको सूखने के लिए। तो अभी हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, ऐसे ही आप रख सकते हैं, और अभी लौट के आना है एक या दो दिन के बाद देखने के लिए कि क्या ऐसा इसका कलर टोन लिया है और कैसा ये हुआ है। और बार बार आपको क्या करना है कि एक या दो घंटे या चार या पाँच घंटे के बाद में आना है और एक बार फिर से इसको ऐसे थोड़ा सा हाथों से इसको सहरा देना है, ताकि जो नीचे में कुछ अगर भीगा सॉडस्ट रहेगा तो वो ऊपर आ जाएगा और फिर से वो नॉर्मल वे से ये सूखता रहेगा। तो अभी हमको एक दिन या दो दिन वेट करना है दोस्तों, फिर आएंगे, फिर लौट के देखेंगे कि क्या रिजल्ट क्या हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर 48 आवर्स यू कैन सी दैट दो दिन के बाद मेरा जो सॉडस्ट है अभी ये टार्फ हो चुका है, पूरी तरीके से टार्फ में बदल चुका है, एकदम फाइन टार्फ हो गया है ये, और मैंने जो कलर चाहा था वही कलर इसमें आ गया है, एकदम देखिए ये फाइन टार्फ हो गया। और इसी से हम अभी अपना डायोरामा में काम करेंगे। आप भी इसी तरीके से इजी टार्फ आप बना सकते हो। आप देख लिया कितनी आसान है ये सब बनाना, कितना आसान है। और अब हम क्या करेंगे कि हम इसी, ये जो टार्फ मैंने बनाया है इसे अब काम अभी रखना है ठीक से। तो हम एक ऐसा एक कोई भी कंटेनर हम लेंगे, ये जो कंटेनर मैंने इसी में अभी मैं रखूँगा, ऐसा ही ढेर सारे कंटेनर मेरे पास है और उसी के ज़रिए हम सारे टार्फ को हम स्टोर करते हैं। तो अब इससे हम अभी इसमें स्टोर कर देते हैं, और वेरियस शेड में आप ये टार्फ बना सकते हो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये तो एकदम फाइन टार्फ हो गया, हाँ, और ये एक कलर टोन में आया है। अब देखिए मेरे पास आपको हम दिखा रहे कि ये दूसरा कलर टोन है, ये थोड़ा हल्का और भी हल्का कलर टोन मैंने इसमें डाला है, एकदम जो नया जो न्यू ग्रेस वो ये कलर टोन इसमें आएगा। आप देख सकते हो कि इसका कलर टोन एकदम अलग है उससे। तो ऐसे वेरियस कलर टोन कलर मिक्स करके आपको बनाना है, कभी ग्रीन के साथ येलो, कभी ग्रीन के साथ सॉरी हाँ ग्रीन के साथ येलो, ग्रीन के साथ ब्लैक। और अब आप देखिए ये जो है मैंने आपको दिखाया था जो वो कोर स्टाफ जो बड़ा वाला पार्टिकल वुड सॉ का था उससे ये आप बना सकते हो। ये देखिए ये जो है ये थोड़ा कोर स्टाफ है, एक ही तरीके से हमने बनाया है, एक ही प्रोसेस से हम इसको बनाए हैं। आप ये देखिए और इसको देखिए, दोनों में जो डिफरेंस है आपको समझ में आ जाएगा। ये हुआ एकदम फाइन और ये हो गया कोर्स। तो जो वेरिएशन साइज का ग्रेस में होता है वो भी आप बना सकते हो। ये थोड़ा बारीक हो गया और ये थोड़ा बड़ा जो पार्टिकल है, जो जितने भी बिगर पार्टिकल है सॉडस्ट में, उससे आप ये टार्फ जो ग्रेस या फिर कुछ भी आप बोलो आप बना सकते हो। ये आप ठीक से देखिए कि इसका साइज़, इसमें जो साइज़ है ये बहुत बड़ा है, उससे बहुत बड़ा है, क्योंकि मैदान में या कहीं पे भी तो एक किस्म के घास नहीं उगता है। तो ये फाइन हो गया, एकदम बारीक ये हो गया देखिए, और ये जो है ये हो गया
कोर स्टार्फ। तो इसी तरीके से आप वेरियस साइज में और वेरियस कलर में आप अपने पसंदीदा टार्फ बना सकते हो अपने डायोरामा के लिए, जो बहुत इजी है और बनाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं उठाना पड़ेगा, आप इजीली इसको आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, होप आप समझ गए हो कि कैसे आप इन सब चीज़ों को बना सकते हो और अपने डायोरामा में इस्तेमाल कर सकते हो। जब हम इसे इजी बना सकते हैं तो हम क्यों इसे खरीदें। अच्छा दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दे देना, एक लाइक तो बनता है ना मेरा यार। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई आइडिया है कि आप ऐसे कैसे इजी टार्फ बना सकते हो, वो जो आइडिया है वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो थ्रू द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। और ये भी मेरे को बताओ कि अगले दिनों में आप क्या क्या ट्यूटोरियल देखना चाहते हो। अगर वो ट्यूटोरियल मेरे आइडिया से मैच कर गया तो अगले एपिसोड में मैं आपके नाम के साथ वही ट्यूटोरियल वीडियो में लाऊंगा यहाँ पे। फ्रेंड्स, टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।